एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही। जितने लोग 70% जनता मोदी के खिलाफ, ठीक है, क्षेत्र ही करने पे आमादा है, इसी क्षेत्र के चलते 44 पर आ गए। अब करे बाबा साहब का संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया, जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था, क्योंकि बड़ी थेतरी में चुनाव सर पर है, जनता नाराज होगी तो जो कुछ वोट मिल रहा वो भी कम हो जाएगा। बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे, भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को बचाने के जो आप अभियान चला रहे हो उसमें डिटेल भेजो। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के सभी लोगों को आज वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बड़े अच्छे से बोल डाला, क्योंकि कांग्रेस के लोग बार बार बोलते रहते हैं कि देश में संविधान खतरे में है और हम संविधान को बचाने निकले हैं। इसी पर आज की डिबेट होने वाली है, इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको अच्छे से दो डाला। तो आज की डिबेट बहुत मजेदार और फनी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये लोकसभा चुनाव मैसेज का चुनाव होता है, इस चुनाव में कोई कितना भी गोल गोल घुमाए जलेबी की, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने स्वयं कहा है कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण ठाकुर लाला बलिया को नहीं है, उसका लोकतंत्र और जरूर कमजोर होगा, पर सबसे ज्यादा अति पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए यह संविधान, बाबा साहब के संविधान को जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसमें जो लोग चुपचाप होकर खड़े होने हैं इस पर उन पर जरूर प्रश्न खड़ा होगा। इतने डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाबा साहब का संविधान का मसला है महत्वपूर्ण, ठीक बात, ठीक है, आपको मैंने ऑनलाइन कर दिया। बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, यही कह रहे हैं ना, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक बाबा साहब का संविधान, यही ना बात तो पूरी जनता थी, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ रही, जितने लोग 70% जनता मोदी के खिलाफ है, ठीक है, बहुमत है, कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ठीक, पूरे देश भाजपा है, ठीक है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। एक फर्जी नैरेटिव चलता है इस देश में, उसका भी आज पोस्टमार्टम कर ही दूं प्रशांत पटेल, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खिन्नता होती फर्जी नैरेटिव चले, कोई चलाए, हमेशा के लिए फर्जी नैरेटिव को ध्वस्त कर देता हूं कि 70% मोदी के खिलाफ, कोई विद्वान आता कहता 65%, कोई कहता 75%, हम कह रहे 90% खिलाफ मोदी के, ठीक, अब बीच में नहीं ना, ये तो मैं कभी अनुमति नहीं देता आपको बोलने का, जब था तो निर्विवाद सब सुन रहे थे, ये अनुमति नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में करना भैया सपा के साथ, मेरे साथ नहीं, ये कटा जो करो मेरे साथ नहीं महाराज, मेरे ऊपर दया करो। मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो 29% वोट पे बनी थी, तो उनके खिलाफ 71% थे, तो आपने कुर्सी छोड़ दी थी, कहां फर्जी लेके घूम रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो, समझ ही नहीं, मुझे बता दे खड़गे जी कि इस देश में कितनी सरकार है 51% पर बनी, कितनी बार बता दो ना भैया, क्या संविधान में ये लिखा है, गजब क्षेत्र ही करने पर आमादा है, इसी क्षेत्र के चलते 44 पर आ गए। अब कह रहे बाबा साहब का संविधान अरे संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया, जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी संविधान रहेगा। और एक बात कह के मैं अमन पांडे के पास जाऊंगा, एक बात और आई वो भी प्रचार बड़ा है कि बाबा साहब का संविधान, में कहता हूं कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब का संविधान बदल लेगी। खैर कांग्रेस एक नैरेटिव चला रही है अनंत हेगड़े के बयान का, आशीष चतुर्वेदी सुन लीजिएगा, ये न पढ़ने के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं, क्या तर्क के लिए लगातार अपडेट रहना होता है। अनंत हेगड़े जो ये कह रहे थे कि 400 सीट हमको चाहिए, उनकी टिकट काट दी गई, क्या लेकिन पढ़ा नहीं, न खड़गे जी ने न जयराम रमेश ने, तो फिर नीचे तक बात कैसी आई जब उन्होंने नहीं पढ़ा। और मैं आज की बहस इस पर लेकर नहीं आया कि अपने सिटिंग सांसद की टिकट कौन काट रहा है, बीजेपी ने 102 नहीं 103 सिटिंग सांसदों की टिकट काटी है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को अधिकार है, सोमवार को रामलाल को, मंगलवार को मोतीलाल को, बुधवार को फिर रामलाल को, बृहस्पति को फिर मोतीलाल को, ये जो टिकट बांटी जा रही है आज की बहस उस पर है, इसलिए कृपा करके नैरेटिव को दाएं बाएं मत भगाओ, है ना, उस क्योंकि बड़ी थेतरी में चुनाव सर पर है, जनता नाराज होगी तो जो कुछ वोट मिल रहा वो भी कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ी पार्टियों को भी आरएलडी से इस मामले में सीखना चाहिए आशीष चतुर्वेदी, ये ठीक है, कांग्रेस तो अपने एक फ्यूडल उस माइंडसेट में रहती है कि हम तो बाबा साहब जवाहरलाल गांधी जी, क्या उसको भी पता नहीं कि जमीन नीचे बची कि नहीं बची। जयंत चौधरी ने सबसे पहले दो उम्मीदवार घोषित किए, न हिले उम्मीदवार न डुले, और सबसे पहले विधिवत प्रचार शुरू कर दिया। लीडर वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके दिमाग में तय हो कि बागपत अगर हमको मिलता है तो हमारा ये कार्यकर्ता लड़ेगा। इन फर्जी बातों में क्या रखा कि दलित पिछड़े अगड़े दिस दैट फलाना ढिकाना, ये सोशेबाजी से कुछ हासिल है,
उम्मीदवार लड़ेगा तो ना कुछ होगा। और ये अगर हमारी दवा काम कर रही होती तो हम 44 पे नहीं आते, ये तो बात तय है। इसका मतलब जो नेचुरोपैथी आप अजमा रहे हैं वो ठीक नहीं है। खैर, इस देश के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन और सबसे विकट और विचित्र संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए। इस संविधान में सबसे ज्यादा विचित्र और विकट संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस देश में हुए। और खैर, मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं कि खड़गे जी के बचाए संविधान बच जाएगा, खड़गे जी को नींद आ जाएगी तो संविधान लुट जाएगा, ये फालतू बातें, बातों को मतलब क्या है। एक बंगाल का जज थे हाईकोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया, बड़ा हाय हो हाय अल्लाह मचा, बोले देखिए जुडिशरी में क्या हो गया। मुझे याद आ गया इंदिरा जी के समय में एक जज साहब थे, आशीष जी आप सुन लो, वो सोमवार को जज रहते थे, मंगल को कांग्रेस के राज्यसभा में मेंबर हो जाते थे, बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे, और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजू दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को बचाने का जो आप अभियान चला रहे हो उसमें डिटेल भेजू। ये कौन सी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी? बोले तुम सोमवार को जज हो जाओगे, बोले ठहो, बोले आप मंगल को एमपी बन जाओ, बोले हो, बोले बुध को फिर जज बन जाओ, जाके दो चार निर्णय है वो निपटा के फिर आ जाओ भाग के, बोले निपटाए निर्णय, बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। मजाक नहीं, सच्चा किस्सा बता रहा हूं। तब लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित हो रहा था मित्र, आपके दोहरे चरित्र के कारण ही संकट पैदा हुआ है राजनीति। जनता विवेक शून्य नहीं है, हमारे पेट में रोटी है कि नहीं है ये हमको कोई दूसरी पार्टी बताएगी। और हम वोट डालने जाएंगे तो हम इस हमारे पेट की स्थिति हमारे वोट का निर्धारण करेगी कि आपके नारे से वोट पड़ेगा। नारा किसी का नहीं चलता, ना प्रशांत पटेल वालों का, ना श्रीवास्तव जी वालों का। जनता अपने विवेक से वोट करती है, ये देखकर वोट करती है कि उसके जीवन में किसने बेहतरी लाई और किसने उसके साथ छल किया। जो छल करता है वो जनता के कोप का भाजन होगा मित्र, इसमें तो नाराज होने की बात ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे जैसा सामान्य आदमी कहेगा संसदीय लोक जीवन में, लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जिनको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनका चयन साफ सफाई से करें, ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। जब आप ऐसे खेलते हो ना आशीष जी, देखो हिला के ऐसे उम्मीदवार, तो और भी कई किस्म के शक जनता में जाते हैं क्या? कुछ लोग उड़ा देते हैं कि मिठाई का मामला चल रहा है, नहीं आप रोक नहीं सकते ना उनको। जब आप दैनिक आधार पर टिकट बदल रहे हैं तो कुछ लोग तो कहेंगे कि मिठाई चल रही है। लोकतंत्र इससे दूषित होता है। अपने कार्यकर्ता को पहचानिए, जो अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनिए और जनता के सामने भेजिए। ये राजतंत्र जैसी झांकी मत दिखाइए कि जो आ गया जिले इलाही के दरबार में उसको टिकट दे दी, फिर दूसरा आ गया बोले अच्छा उसको हटा के इसको दे दो। ये लाल किला में मुगल बादशाह का दरबार थोड़ी ना, ये लोकतंत्र है महाराज। इसमें पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कल को यही सांसद बनेंगे, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो।